नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि गेट, जेस्ट, सीएसआईआर एंड अदर एग्जाम्स का जो स्कोर है उसके बारे में क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है मोहित सर, जी सर। और वो स्टूडेंट ने ऑलरेडी सीएसआईआर एग्जाम क्रैक करके रखा है। ठीक है, मान लो ऑलरेडी उसने गेट क्रैक करके रखा है, या मान लो कि उसने जेस्ट क्रैक करके रखा है। ठीक है, अब जो बायोलॉजी स्टूडेंट उनको बता दो कि जेस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो, जेस्ट जो होता है वो एक्सक्लूसिवली फिजिक्स के लिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने इन जनरल यहां पर कह रखा है, तो हम तो गेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं और हम सीएसआर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो टीफर वालों को क्या कहना है टीफर एग्जाम का, कि अगर आप सीएसआर नेट क्वालिफाइड हो, अगर आप गेट क्वालिफाइड क्वालिफाइड हो, हो तो फिर आप टीफर इससे एग्जेम्पशन ले सकते हो, टीफर का रिटर्न टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। और इसको हम कैसे बता रहे हैं तो आप यहां पर समझ पाओगे। यहां पर एक चीज आप समझो, ये लिखो, यहां पर लिखा है, ठीक है, क्लियरली यहां पर मेंशन किया है, सम एडमिशन, सम लिखा है एडमिशंस बेस्ड ऑन गेट, नेट, जे स्कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब क्या, जे का फिजिक्स में यूज होगा, गेट का भी फिजिक्स में यूज हो सकता है, सीएसआर भी हो सकता है, बट हमारे लिए सीएसआर और नेट है। देन इकोलॉजी इवोल्यूशन गेट स्कोर, आपको पता है ईवाई करके गेट इवोल्यूशन का अलग पेपर होता है। देन ये देखो, गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन का स्कोर मोहित सर सिर्फ एनसीबीएस में यूज हो रहा है, कहीं और यूज नहीं हो रहा है। जेआरएफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी आर आल्सो पॉसिबल। तो ये नहीं कि सिर्फ सीएसआईआर से ही किया, तो वहां पर जो टॉपिक लिखा था सीएसआईआर, जेस्ट, गेट और अदर एग्जाम्स लिखा था, तो अदर एग्जाम में कौन से आ गए, हमारा डीबीटी भी आ गया, आईसीएमआर भी आ गया, यूजीसी भी आ गया। ओनली कैंडिडेट्स इन द टॉप 5 परसेंटाइल आर एलिजिबल, ये सबसे बड़ी बात है सर ना यहां पर। मतलब इसमें जिनका रैंक अच्छा होगा, जिनका स्कोर अच्छा होगा, वही 5 बच्चों को यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। और एग्जाम्पल के साथ भी कहा है, टोटल 2000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, फॉर द एग्जाम टॉप 100 कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, 5% तो ये हो गए। तो 2000 बच्चे अगर सीएसआर में अपीयर हो गए थे या क्वालिफाइड हो गए थे, अपीयर हो गए थे, तो उसमें से क्या है, ओनली 100 बच्चों को हम लेके आएंगे। सच कैंडिडेट 5% बोला है। मे राइट टू पीएचडी एट ncbase.rais.in फॉर इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अब ये बच्चे जिनका क्वालिफाई हुआ है और जिनको श्योरिटी की हम इसमें आ सकते हैं, उन बच्चों को अलग से टिफर को राइट करना है, उसके लिए अपन एक अलग सेशन जो है वो इसे बना सकते हैं, ले सकते हैं अलग सेशन। ठीक है, टॉपिक के लिए समझ में आ गया, मतलब टिफर में जाने का देर इज नॉट ओनली वन वे कि आप टिफर करके एग्जामिनेशन दो। अगर आपका कोई ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है, आपने गेट, जे, सीएसआर, डीबीटी, आईसीएमआर, गेट इवोल्यूशन, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू भी टिफर में जा सकते हो। बट मोहित सर मेरा सजेशन बच्चों को ये है, ठीक है, इफ वी हैव ऑलरेडी क्रैक सीएसआर नेट एग्जामिनेशन, डीबीटी, आईसीएमआर, वी हैव नॉलेज, हमने अच्छे से प्रिपरेशन की है, हमने क्रैक कर रखा है, मैं क्या कह रहा हूँ, अपना ही नॉलेज है ये लेके अपन क्यों नहीं जा रहे उस और एक एग्जाम में टिफर के, और वहां पर भी अपन वो पेपर दे के अपने आप को और प्रूफ क्यों नहीं कर रहे, हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा सजेशन बच्चों को रहेगा कि आप जाओ टिफर का एग्जामिनेशन दो, और उससे आपको फायदा ही होगा। इसमें अपन इफ्स एंड बट्स क्यों लगा के रखे कि सीएसआर में मेरे उतनी रैंक होगी, उतना स्कोर होगा, टॉप वाले लोग ही कंसिडर करेंगे, वो चीज अपन क्यों कंसिडर कर रहे। आप वहां पर बता सकते हो, मेरा TIFR भी क्वालिफाइड है, CSIR भी यस क्वालिफाइड है, यस बिल्कुल, भी क्वालिफाइड है, BT भी क्वालिफाइड है, EY भी क्वालिफाइड है। ठीक है, यस यस बिल्कुल।